हम दोनों अच्छे हो जाएंगे, कैसे बैठे होंगे और हम क्या करें। गाना जुड़ा भी बहुत अच्छा है, इस तरह की चीजें मजे की हैं। इतनी अच्छी से मैं शुरू हुई थी द एपिसोड्स दैट आई रियली लव्ड, ये थोड़ी नीचे थी उससे, इतनी कोई कमाल वो वाली जगह नहीं पकड़ पाई। स्टिल इट हैड इट्स प्रोग्रेशन, जैसे कि लड़की जो है वो बहन जो है उसने अपने मियाँ से जिससे निकाह हुआ है कज़न से बात की और बात इस पर एंड हुई कि ठीक है, फिर वो भी कह रहा है कि मैं भी अपनी माँ की सुन रहा हूँ क्योंकि तुम भी अपने बड़ों की सुन रही हो और आपस में रिफ्ट हो, उसने कहा ठीक है फिर बड़ों की सुन लेते हैं। ये मज़े का था। फिर हम आगे गए, वो घर आ गए, घर आए तो बाप ने एक फॉर्मुलेट किया हुआ था कि मैं अपना प्रोविडेंट दे दूँगा, मगर फुफ्फो नहीं मानी, उनको तो नौकरी ही चाहिए थी। उससे पहले जो सीन था जिसे बिलाल गया था उस घर में, उस घर में हाँ लेके 17 ग्रेड की नौकरी, हाँ है ना। और फिर द प्रोग्रेशंस वर देयर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि वो हम कहीं ना कहीं जाते जाते ना फिर रिवर्स गियर में आ जाते हैं। जैसे कि जब सब हो गया और वो लड़की आई और उसने कहा फिर दो तुम मुझे तलाक, है ना। ये सीन यूं जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नई बात हो रही थी, ये लड़की हम ऐसे देखना चाहते हैं, इस माँ को हम समझते हैं जो सुकैना की और शिब्रा की माँ है कि वो थोड़ी सी अनरीजनेबल हो जाती हैं, बाप के साथ ज्यादती करती हैं कि आपको बेटियों से प्यार नहीं है, जबकि पता है कि वो एक राशि इंसान नहीं है, आपने ज़रूर उसको बुरा बनाना है, पर चलो हम कहते हैं दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो वो लड़की अच्छी जगह जा रही थी और फिर वो लड़का चला गया और उसने बाप से कहा कि देखा वही हुआ ना, आप यही चाहते थे ना कि यही हो, फिर वो बाप के साथ बदतमीजी करने लगी। तो मुझे लगा कि शायद सिर्फ थप्पड़ मारना था बहन ने, इसलिए तो जगह आती थी, वो ऊपर जाने लगती थी और फिर वो या रुक जाती थी या नीचे आ जाती थी। जैसे जब जिस सीन की तुम बात कर रहे हो कि लेके गया है वो 17 ग्रेड की नौकरी, जो कि ठीक है समझ आ रहा था ना कि ये चला गया है, ये तो दिलवा सकता था, बहन को तो चूँकि भाई से बात ही करनी थी तो उसने कहा कि मैं तो फ़ोन पर बात कर लेती हूँ, उसने कर ली। वो वहाँ ऑफिस में इंतज़ार कर रहा है, वो गया, उसको बुरा भला कहा, थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ भी मुझे समझ नहीं आया, मुझे वो दोनों थप्पड़ जो इस एपिसोड में पड़े थे। नहीं, बहन वाला तो शायद फिर नूर का भी समझ आया था, बिकॉज वो आप, अच्छा, मुझे आप नहीं हो आया। कौन जो मेरी बहन के घर में जाके मेरे हवाले से बात करो, तुम हो कौन, आपको पता है वो कैसा इंसान है। नहीं, बहन के बहन आपने उसको घर में रख लिया है, उसकी बहन ने ये बोला है कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की, और जहाँ उसकी उसको ये नहीं, वो तो ये सोच रहा होगा ना, इसको क्या पता कि मेरी बेटी का रिश्ता भी उस घर में हो रहा है, मेरी बेटी का फ्यूचर भी स्टेक पे, नन ऑफ बिलाल बिजनेस के वो जाके बात करे उसको, तो बिलाल इज ऑलवेज स्टैंडिंग इन द फ्रेम इन एवरी सीन। फिर भी लेकिन थप्पड़ बनता था, इधर तो थप्पड़ ना मारता तब मुझे अजीब लगता कि ये तो आपने ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया इस बंदे को, आपको तो क्लर्क ही लगता है ना ये, उसे जॉब ऑफर कर रहा है उसको, उसने एक्चुअली जॉब अरेंज कर ली थी उसके लिए, कमाल कर सकता था वो, तो कर सकता, और वो कह रहा था कि 3 दिन रुक जाओ हो जाएगा। मुझे जो फ्लॉ लग रहा था वहां पे कि वो एक्सप्लेन सही तरीके से कर सकता था कि मैंने बात कर लिया, मेरी बात का यकीन करें, वो आगे से उनके साथ, वो उनका राबिया नाम है उनके जो एक्ट्रेस, उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है। भाई आप तो अपनी गेम खेलने आए हो, आपको पता आपने जॉब अरेंज कर लिया, स्मार्टली प्ले करो, आपको क्या हो जाएगा, मुझसे ना हो, मैंने लड़के से अकेले में मिलता और उसको समझाता कि ये बॉस बात, आई डोंट नो समहाउ मुझे लगा कि कन्वीनियंटली आपने जहाँ पहुँचना है वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं और कहानी को आप थोड़ा सा सर्कल्स में घुमा रहे हैं क्योंकि आप वहीं, हम वहीं खड़े हैं जहाँ हम खड़े थे। सो दैट वे इट वॉज स्लाइटली नीचे फॉर मी, नॉट दैट ग्रेट। चले टू थम्स अप नहीं है, नहीं था मेरे लिए राइटिंग अच्छी है, मगर बस वो अच्छी जगह जाते जाते जब रुक जाती है तो मुझे थोड़ी तकलीफ देती है। जैसे कि वो सीन था जिसमें वो दोस्त कहता है कि तुम्हारी बर्थडे के लिए वो जा रही है, वहाँ माँ बाप भी बात कर रहे हैं ना कि वो तो शायद सोच रहे हैं उससे अपनी बेटी महरीन की शादी का, और बाप इस पर बहुत खुश भी होता है और वो कहता है कि मेरा बेटा है वो यकीनन मान जाएगा, एंड देन द फ्रेंड इज देयर एंड सेइंग कि तुम चले जाओ कुछ दिन के लिए बिकॉज ये अपसेट है यहाँ पे, और इतना दिल पे मत लो इन लोगों को क्योंकि वो भी जा रही है महरीन भी। तो वो कहता है मैं तो आज वापस आ रहा हूँ, आई लाइक दैट बिट कि मैं आज वापस आ रहा हूँ क्योंकि उसने कहा कि मैं तो लड़ने से वापस आ गया, हाँ मैं तो यहीं पे हूँ। सो ये मज़े का था, तो कुछ जगह मज़े की हैं, लॉजिकल हैं, बट कुछ हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ जाती हैं। जैसे जो माँ है ना वो हमेशा सवाल छोड़ती हैं मेरे दिल में, जैसे कि माँ को बाप ने कहा कि ये लो चाय का सामान और तुम
मैंने सोच लिया मैं कर लूंगा कुछ. उसने कहा क्या कर रहे हैं, कैसे क्या होगा. उन्होंने कहा मैंने सोच लिया. नाउ द फादर सेइंग कि मैंने ये सोचा दैट आई एम गिविंग ऑल माय प्रोविडेंट फंड टू यू व्हेन दे गेट मैरिड और जैसे ही मुझे मिलेगा. कोई रिएक्शन नहीं था किसी का. अगर नहीं लिखा तो किसी ने सोचा क्यों नहीं, हम भी तो सोच रहे हैं. डायरेक्शन और फिर एक्टर भी. सो माँ ने भी नहीं सोचा कि भाई इतनी बड़ी बात होती है. जिंदगी भर आपने मेहनत किया और उसमें काउंट किया होता है सबने ऐसी चीज पे कि वो हमारी बुढ़ापे का सहारा है. बट माँ मुस्तकिल उदास ही रही बस इस बात से कि ओहो नौकरी नहीं दिला रहे, नौकरी नहीं दिला रहे. तो मुझे माँ अच्छी नहीं लग रही जो लिखी हुई है राइटर ने. मुझे सुकैना अच्छे होते होते वापस हो जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं लगती. So I will give the writer a 7. Still very good job. 7 not bad. हाँ good है. जैसे कुछ सीन होते हैं ना राइटर के, इसमें वो सीन था जिसमें वो सारे वो आई हैं लड़के की अम्मी और वो ही प्रोविडेंट फंड वाला और जुमले अच्छे थे, कट टू कट थे. ये राइटर का सीन है. राइटर ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा बन गया वो. एंड पे हमें इख्तलाफ है बट ओके सीन था. इसी तरह वो जो सीन है जिसमें वो लड़का इमेजिनेशन में गया है एंड में और वो सोच रहा है कि मैं और ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना. सो इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन में वो लड़का जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, जो इस लड़की को पहली नज़र में देख के उस पर फरेफ्ता हो गया था इतना कि वो बगैर पंखे के एक सर्वेंट क्वार्टर में एक मंजी के ऊपर रहने को तैयार है और रह रहा है, भाग भाग के उनका काम कर रहा है, क्लर्क की जिंदगी गुजार रहा है, थप्पड़े खा रहा है. उसकी इमेजिनेशन क्या थी, बैठ के दोनों पैर हिला रहे और फिर उसके बाद बातें कर रहे हैं जो हमें सुनाई नहीं दे रही. हो सकता है उस तरह की चीजें पसंद नहीं चाहिए थी, मगर इधर हमें चाहिए थी डायरेक्टर की इमेजिनेशन, उस लड़के के दिमाग से सोचना कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है कि जब कभी हम दोनों अच्छे हो जाएंगे तो हम कैसे बैठे होंगे और हम क्या कर रहे होंगे. या अब भी अगर मैं लिबर्टी लेता हूँ इस लड़की के साथ तो मैं इसके पास बैठूंगा, इसका हाथ कैसे पकड़ूंगा या जो भी. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट जस्ट हाँ आप इमेजिनेशन में अपने लवर को अपनी वर्ल्ड में लेके जाएंगे ना, अपनी वर्ल्ड में लेके जाएंगे. ये उसका लेवल नहीं है लड़के का. हाँ ये उसका लेवल. यू आर एब्सोल्युटली राइट. इमेजिनेशन इज अ वेरी डेलिकेट थिंग टू अंडरस्टैंड. इट राइटर ने क्यूट तो बना दिया, प्रोडक्शन ने पूरा का पूरा काम गाने को दे दिया. गाना बहुत अच्छा है, गाना वर्क्स वेल व्हेनेवर इट कम्स. गाना जुड़ा भी बहुत अच्छा है इनमें. महरीन पे जाके खत्म हो गया क्योंकि वो भी वही बोल उस पे भी लग रहे थे कि वो कुछ भी कर सकती है जो भी लव्स हैं इसके लिए फॉर हर लव. बट दैट सीन वाज नॉट वेरी वेल कंसीव्ड. सो वहाँ जाके मुझे लगा कि काशिफ होता तो क्या करता काइंड ऑफ फीलिंग है ना. ये अब आप ज्यादती कर रही हैं उनके साथ. आई थिंक आई गिव द अच्छी जगह हैं क्योंकि जिस जो लोकेशन शूट की चूज़ की है फॉर वन वो बहुत डिफरेंट है. मुझे फ्रेमिंग बहुत अच्छी लगी. मुझे उसको इस्तेमाल फारूक ने बहुत अच्छे तरीके से किया है. वो फारूक का कमाल है या कैमरामैन का है, बट वेरी वेल शॉट और डिफरेंट. वही एक बड़ा सा घर और वही सब बत्तियाँ जल रही हो, शैंडलियर नहीं है बट इट्स स्टिल ब्यूटीफुल. छोटी छोटी मूव्स बड़ी अच्छी हैं. सौदा लेके आना, थैले लेके जाना, लड़की का कमरे में आना, इस तरह की चीज़ें मजे की हैं. बट आई एम होपिंग फॉर इवन बेटर स्टाफ फ्रॉम हिम. आई थिंक फॉर राइट नाउ आई गिव हिम अ 7. 7 स्टिल वेरी गुड जॉब. नथिंग रॉन्ग बट नथिंग ग्रेट ऑल्सो अभी तक. सो मुझे अब उम्मीद है कि दुबरे को मैं इस ड्रामे में एटलीस्ट कहीं बहुत मज़े की जगह जाते हुए देखूँ. आई थिंक वहाँ पे शी वॉज रियली गुड, जहाँ पे पूरा वो आपस में हो रहा होता है जिसमें वो निकालती है अपने ब्रदर इन लॉ को. थोड़ा हल्का था फिर. अब बहन अब इतना ही मारेगी ना वो, बहन को कितना मारेगी वो बहन है उसकी. ड्रामा भी तो नहीं बट आई थिंक दैट वाज वेरी बहुत अब्बा के लिए वो जितनी टची है ना बाप के लिए उस फोर्स से आना चाहिए था. चलिए आपकी क्या राय है. सो आई थिंक 6 6 गुड जॉब. द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्ले
फैबुलस एक्टर, जो बेस्ट सीन था, मतलब अगर दे देते उसको इमेजिनेशन में भी कुछ अच्छा करने को तो आई एम श्योर वो कर लेता, और जो बेस्ट सीन था इस एपिसोड का मेरे लिए वो बस वाला सीन था. See, we laugh, na? Oh my God, I laugh so much on that scene. Yeah, that's what I'm saying. बस में चढ़ते एक आदमी गंजा बैठा था, उसके सर को पहले पकड़ते. अच्छा वहां पे मुझे अभी हंसी नहीं आई, मैंने कहा अब ये सर के सामने अच्छा नहीं लगा मुझे, बट उसके बाद वो पीछे बैठा जहाँ वो औरत बैठती थी, उसने उसको धक्का दिया, वो फिर उस आदमी पे गिरा, और उस आदमी का रिएक्शन बहुत, वहाँ मैंने डायरेक्टर को भी मार्क्स दिए, बिकॉज वो कटिंग भी अच्छी थी, और उस आदमी का मुड़ के कहना क्या मसला है, वाज वेयर आई फक 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 लाफ्ड. सो आर्ट, आर्ट. अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट थी जो उसकी टाइमिंग है, कॉमिक टाइमिंग, मैं ये मेंशन करना चाहूंगा. वेरी गुड. स्पेशली जब राबिया से वो बात कर रहा था, राबिया गुस्से में देखता है, बेटा देखता तो कहता है राबिया यूं आके बोलता, वो जो कर रहा था ना, वो जो विद इन अ सेकंड जो चेंज एक्सप्रेशन हो रहा था कि वो गुस्से में यूं है, और जैसे बेटा देखता मजलूमियत, वो जो वेरी क्विक, ये मतलब मैंने और किसी एक्टर को ये करते नहीं देखा है, लाउड हुए बगैर. ही वाजंट इवन लाउड, बट अभी तो ये शुरू हुआ है. वाओ, वेल डन बिलाल. बिलाल 10 पे जाएगा.